डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। यूपी की सियासत में भी आजकल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बुआ मायावती और बबुआ अखिलेश यादव की एकता एक अलग कहानी बयां कर रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए सब कुछ बदल गया था। अब बुआ और भतीजे ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब एक बार फिर सपा और बसपा एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। दरअसल हुआ ये कि अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव के लिए पहले बीएसपी के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश की, अब मायावती ने बड़ा पलटवार कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 7 विधायकों को बीएसपी सुप्रीमो ने निलंबित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि एमएलसी के चुनाव में बीएसपी जैसे को तैसा का जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। मायावती ने कहा कि बीजेपी को वो भले ही वोट शिफ्ट कर दें, लेकिन समाजवादी पार्टी को सबक सिखा कर रहेंगी। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि 2 चुनाव के दौरान उन्होंने गठबंधन का जो फैसला लिया था और 2 जून 1995 वाले गेस्ट हाउस कांड में जो केस वापस लिया वो उनकी बहुत बड़ी चूक थी। एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए है, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए। एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व न किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। हालांकि सपा ने भी मायावती को जवाब देने में देर नहीं की। सपा प्रवक्ता प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने मायावती पर हमला करते हुए कहा कि वो सहूलियत के हिसाब से फैसले लेती हैं और बीजेपी के लिए टीम बी का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने हर रिश्तों का निर्वहन करना जानती है। गठबंधन के जो धर्म था उसका हमने पूरी ईमानदारी से, पूरी सज्जनता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पालन किया था। और यही कारण है कि जब हमारे सारे नेता, हमारे सारे वर्कर्स, सारी लीडरशिप एवं शीर्ष नेतृत्व लगा हर जगह जाकर के पार्टी के लिए, गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए मदद मांगी तो जीत हासिल हुई हमको। आपने देखा होगा जो पार्टी 0 सीट पे थी उसको 10 सीटें मिली सिर्फ समाजवादी गठबंधन की वजह से। आज जिस तरीके की भाषा हम लोगों को सुनने को मिली है, जिस तरीके से माननीय मायावती जी ने कहा है कि वो अपनी जरूरत पड़ी तो अपने वोट भारतीय जनता पार्टी को दे सकती हैं, ये वो बात कहीं न कहीं साबित करता है जो चर्चा में बहुत दिनों से थी कि ये एक्चुअली बीजेपी की टीम बी की तरह काम कर रही है। और आज जितने भी लोग थे, जो लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, जो लोग बीएसपी के मूवमेंट की शुरुआत के लोग थे, जिन्होंने इस पार्टी पर निष्ठा और आस्था जताई थी, उनको आज ये सच्चाई सामने आ गई है कि अब ये पार्टी पूरी तरीके से सिर्फ बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ निर्णय ले रही है, बीजेपी के पक्ष में खेल रही है और कोई भी चुनाव हो उसके बाद अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे या बीजेपी का साथ ले लेंगे। पूरी तरीके से मुझे लगता है इनके जो साथी लोग थे, जो पार्टी के इस मूवमेंट के लोग थे, वो अब उनके पास अब एक ही उम्मीद की किरण बची है जो कि हमेशा सबको साथ लेकर चलते हैं माननीय अखिलेश यादव। मैं पूरा विश्वास के साथ, मुझे यह है कि आने वाले वक्त में सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और अब लड़ाई उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच बचेगी और बाकी पार्टियां अब इस निर्णय के बाद खत्म हो गई। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।